भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की महिलाओं ने सपा कार्यकर्ताओं के सामने जलाया आल्हा चौक महोबा में आजम खां का पुतला। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष नीतू श्रीवास्तव और तमाम महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने आजम खां के द्वारा संसद पर महिला सांसद को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने पर महिला मोर्चा के द्वारा आज आल्हा चौक पर समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां का पुतला जलाया और पुतला जलाने के बाद उन्होंने कहा कि आजम खां कई बार महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं, अब महिलाओं को बर्दाश्त नहीं होगा, इनको शीघ्र ही सदन की सदस्यता से बर्खास्त किया जाए और इनके विरोध महिला विरोधी शब्द कहने पर कानूनी कार्यवाही की जाए। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान तमाम महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। आजम खान जी लगातार महिलाओं की बेइज्जती करते रहे हैं। अभी जय पिता जी की थी, उसके बाद अभी रमा जी की है, तो उस अगर वो बार बार गलतियां कर रहे हैं तो उनकी सजा भी उन्हें मिलना चाहिए। तो क्या मान लिया गया सपा जो है समाजवादी पार्टी की कर ली और कर ली दोनों में अंतर है? बिल्कुल है, बिल्कुल अंतर है। अगर इस तरीके से कोई व्यवहार करे वो तो सांसद है, एक पद पे आप बैठे हुए हैं, अगर एक आम इंसान करता है तो उसको सजा मिलती है, तो आप तो एक सांसद है, महिला वहाँ पे उसकी कदर नहीं होगी। जिस कदर संसद के अंदर जो है महिला का अपमान किया गया है, तो क्या लगता है इनकी संस्था खत्म करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? बिल्कुल सदस्य खत्म होनी चाहिए। और हम लोग यही चाहते हैं कि अगर ना आजम खां का अभी तो हम लोग ने बैन किया, अगर सामने होते तो हम लोग जिंदा जला लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा वो महिलाओं का अपमान करता है, महिलाओं के सम्मान में आप किस तरीके से बात कर रहे हैं?